अरे भैया ने मेरी राम राम भाई, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी आया हूं यूनिवर्सिटी मार्केट, KUK यूनिवर्सिटी मार्केट। बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है यार यहां का, और मेरे भाई खड़े हैं। मैंने एक मैसेज दे दिया था जो यहां के सारे संगठन हैं, जो छात्र संघ ऐसे कुछ बोला करें ना, ऐसे कुछ जो ग्रुप संगठन थे उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। सारे के सारे लगभग जितने मैं जानू था, उनमें से कुछ आगे कुछ नहीं आए तो कोई इलाज नहीं। बाकी ABVP के भी हैं बहुत सारे बालक, SFI, NSUI और BPSO इस टाइप के तो हैं। यहाँ पर NSUI का आई का है, अभी आया नहीं है। चलो तो अगर मैं ABVP की बात करूँ तो PU में कुछ मेरे ख्याल से हाथ लगा नहीं था शायद, और DU में बहुत कुछ हाथ लग गया था उनके पास। चलो अब यहाँ बतला लेवंत है, यहाँ की जो इलेक्शन है उसके बारे में बात कर लें। भाई राम राम। भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। आप कौन सी टीम से हैं? SFI स्टूडेंट। SFI से। अबा भाई SFI से। वाओ राम राम भाई साहब। भाई कौन सी टीम से है? भगवान परशुराम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन रूफ BPSO। सीधा BPSO बोल देता यार। हाँ भाई जी BPSO भाई। BPSO। वाओ अबा भाई। ABVP से भाई। ABVP से। ABVP भाई। ABVP से भाई। ABVP। इतनी बार ABVP का क्या अगले मैं नेगेटिव हो जाऊंगा। रहने दे भाई, ठीक से। अच्छा तो भैया तो बता दें इनका कॉलेज में कितना योगदान हुआ है। पिछली बार अड़े कौन एड बना था, कौन सी ABVP का? जब तो गणे हैं अड़े इस टाइम। लास्ट टाइम यहाँ पे आया था मैं डिबेट करने तो ABVP का एक के दो भाई था, बाकी और थे। आज ये ज़्यादा हैं तो बाकी और नहीं है। तो इनसे पूछ लें इनका के कुछ क्या करें, वो कोई मतलब प्रोटोकॉल, वो मतलब किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे, सिंपल सी बात। भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। SFI। हाँ। तो SFI भाई साहब आपके क्या कुछ मेरे होंगे, किस आधार पर इलेक्शन लड़ोगे आप? इलेक्शन जो स्टूडेंट के मुद्दे हैं उन्हीं पे लड़ा जाए तो बेहतर रहेगा। नो किसी तो ये किस मुद्दे पे लड़ा है ये? अभी मेरे को नहीं पता पिछला इलेक्शन किस तरह लड़ा गया था, क्योंकि अच्छा। सिर्फ ABVP लड़ा था उसमें, BPSO लड़ा था, कुसा लड़ा था और सोपू लड़ा था। बाकी हाँ नहीं, SFI, INSO, NSUI, ASVA, DASFI तकरीबन जो ये लड़े नहीं। हाँ, बायकॉट कर बायकॉट किया था इलेक्शन का, क्योंकि हम इनडायरेक्ट इलेक्शन के फेवर में नहीं थे, हम डायरेक्ट इलेक्शन के फेवर में थे। ओके। हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवाया गया, उसके बावजूद भी अगर ये लोग स्टूडेंट्स मुद्दे की बात करते थे तो ये साथ में आते कि जो डिमांड आप कर रहे हो भाई डायरेक्ट इलेक्शन कराया जाए उसमें हम भी आपका साथ देंगे, समर्थन देंगे। लेकिन पूरे कैंपस पे तकरीबन 1000 वोटिंग हुई होगी, 1000 वोटिंग, 13000। हाँ, स्टूडेंट्स को ऐसा माहौल बना दिया गया था यूनिवर्सिटी में, हर जगह आपको पुलिस पुलिस दिखेगी। दो दो टाइम पे, तीन तीन टाइम पे पुलिस के पूरे फ्लैग मार्च निकलते थे हर टाइम पे। पुलिस क्यों थी? ये रोड़ा कर सकता था कि हम रोड़ा कर सकते? रोड़ा कोई भी कर सकता था, क्योंकि बायकॉट चल रहा था इलेक्शन का, सभी ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म पे आके बायकॉट करने लग रहे थे। हम बायकॉट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहले हमने थर्ड गेट पे बैठ के कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। नहीं, तोड़फोड़ कुछ नहीं थी, पहले हम थर्ड गेट पे बैठे शांति से। उसके बाद हम जब वाइस चांसलर सर से कहा कि आप एक बार बात करने के लिए आ जाओ, बात करने के लिए आ जाओ, लेकिन कोई नहीं आया, तो तय किया गया कि हम थर्ड गेट पे जाएंगे। बाहर बाहर जाते ही हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया गया। केवल यहाँ ही नहीं, MDU में भी लाठी चार्ज हुआ। MDU के अंदर, कैंपस के अंदर लाठी चार्ज हुआ, वहाँ आंसू गैस के गोले भी ताके गए। पूरे के पूरे हरियाणा भर में बायकॉट चला हुआ था इलेक्शन का, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ के इन्फ्लुएंस में, जिनकी सत्ता में पावर है, वो लोग लड़ने लग रहे थे सिर्फ। बाकी स्टूडेंट कम्युनिटी ने पूरी तरह से इलेक्शन का बायकॉट किया। आप पूछ सकते हो जिनका प्रधान बना था, सचिव बना था, कि उसमें बढ़ने के बाद उन्होंने क्या काम किया स्टूडेंट्स के लिए, और दूसरी बात कि उन पे वोटिंग कितना हुआ था। ओके। हाँ जी भाई, हम भी बोल सको देश की जगह, कोई बोल सका है? अच्छा, आप BPSO के भाई, जब इतनी संस्थाओं ने बायकॉट कर दिया तो आपने बायकॉट क्यों नहीं करा? अच्छा, मैं पहले बताना चाहूँगा कि जो हमारा संगठन है गैर राजनीतिक संगठन है, उसका किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई वोटिंग हुई थी? बिल्कुल जी। फिर वो राजनीतिक कैसे हो गया? गैर राजनीतिक, हम छात्र संगठन करते हैं सिर्फ। छात्र भाई साहब, आपको शायद अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, ये 80 वोट गिनने के लिए दो बार यूज होया। 80 वोट गिनने के लिए VC ने दो बार, एक बार 10 हुई, पहले 6 फिर 10, यानी कि एकदम 4 बढ़ गई। 80 भी जो वोट है वो अच्छी तरीके से गिन नहीं पा रही, तो इसको दांधली नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? सबसे पहले जब इन्होंने बायकॉट कर दिया तो आप भी कर देते हैं बायकॉट। हम जो मुद्दा है
विद्यार्थी प्रमुख का मुद्दा है, जो विद्यार्थी इतने परेशान होते हैं एग्जाम ब्रांच में, उनका मुद्दा लेके भी तो चलना था, ऐसे कि हम लुक के बैठ जाएं, उनका मुद्दा भी तो उठाना था, तो ऐसे कैसे चलेगा। अभी जो ये दांधली हुई थी इसमें 80 वोट भी बिल वीसी इनडायरेक्ट वे से इनके साथ था। आप ये बताओ जो एवीवीपी है, या उंगली कैमरे में आवा कई बार, कोई बात नहीं जी, जो एवीवीपी है ठीक है, कहीं ना कहीं संबंध है उसका। कैसा संबंध भी, जो ये मतलब मुद्दे हो रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये सिर्फ मतलब इनका अध्यक्ष है। हाँ। वो एक बार भी जब से बना है मेरे को तो कहीं दिखने नहीं मिला वो भी कुछ भी मुद्दे उठाने। जो बात है मैं बताना चाहूंगा आपको भाई साहब कि जैसे भी भाई साहब बोल रहे थे अभी ऐसा पैसे जब संगठन था इनका कि हमने बायकॉट किया, क्यों बायकॉट किया, क्या इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, हम सरकार के फैसले का स्वागत किया जो सरकार ने दिया, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो, हमने उसको स्वीकारा और अपनी एक संघर्ष की जो राह थी जो पिछले 10-12 सालों से हमारा संगठन है जब से बना है जब से लेकर के चल रहे हैं, उसको सरकार को मानते हुए पूर्ण तरीके से इलेक्शन को लड़ा, जो भी सरकार के कानून नियम के अनुसार लड़ा और उसमें हमने सचिव का पद पाया और आगे भी जो सरकार तय करेगी हम बदलेंगे। आप हाँ जी बदलेंगे और लोगे मेरे यार। अच्छा आप सारे के सारे एक ही ग्रुप से हो है ना, है ना, आप सारे के सारे एबीवीपी से ही हो ना, कोई अभी और तो नहीं आया ना बीच में, तो आपका एक या दो प्रतिनिधि कौन है जो बात करेगा, आप दोनों। तो भाई साहब जब आप बड़े तेज हो ना, मेरा है पिछली बार भी मिला था ना, बड़ा तेज था एक बार लिंडा देना इनका सॉरी। तो भाई साहब वो बायकॉट करके ये भी थोड़े से नाखुश थे, धांधली बाजी करो था मैं, तो ये इलेक्शन होया क्यों? देखिए भाई साहब हम कहीं ना कहीं हमारा जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो छात्र समुदाय था हमेशा से ही 1995 के बाद से एक निराशा का मोल हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर रहा था और केवल कुरुक्षेत्र के अंदर ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर ये बात थी कि यार छात्र समुदाय की आवाज़ उठाने वाला कौन प्रतिनिधि हमको मिलेगा। और उसके बाद जब होती रही, कई लोग मुझे ये बात कहते थे जो जिन लोग उसकी छात्र संघ को ना करवाने की दुहाई दे रहे थे, जो कह रहे थे कि प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष होना चाहिए होना चाहिए, एबीवीपी 1995 के बाद से लगातार आवाज़ उठा रही है, हमारे 42 कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार 14 साल तक केस चला है। और उसके बाद जब ये छात्र संघ चुनाव बहाल होता है, उसके बाद आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, जब भी कोई छात्र संघ चुनाव बहाल होता है उसके अंदर एक बार उसको व्यवस्थित रूप से देखने के लिए, उसको प्रभाव देखने के लिए इनडायरेक्ट चुनाव करवाने होते हैं, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो चाहे पंजाब विश्वविद्यालय की बात हो, हिस्ट्री चेक करें तो वहाँ पर ये बात चलाई हुई थी। तो आज ये लोग कहते हैं कि बायकॉट कर, जो लोग सक्षम नहीं होते हैं वही लोग ये बात कहते हैं कि हम लोग चुनाव को बायकॉट करेंगे। और एक साहब जगदीप भाई आपको और बताता हूँ और वीडियो के माध्यम से सभी को बता रहा हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने चुनावों को बायकॉट करा था, अंदरूनी तौर पे हर व्यक्ति ने चुनाव लड़ा है, ये सिर्फ बाहर बाहर की कहने की बात थी कि हम लोगों ने चुनाव को बायकॉट करा, जब अंदरूनी बात थी हर लोग ऐसे थे जिन्होंने चुनाव में लड़ा है और प्रभावित हर छात्र नेताओं को किया है। हजार वोट पड़ी कहाँ लड़ा चुनाव हुआ? बात सिर्फ ये नहीं होती, सीआर की बात जब होती थी, अब सीआर की बात अगर हम चुनते थे तो कहीं ना कहीं चीटिंग नहीं, दो प्रतिनिधि, अब जब बिना प्या, और कहीं एक मेरे ये लोग कह रहे थे कि भाई वाइस चांसलर इन्हीं का है और सरकार इन्हीं की है, आप लोग उठिए मामला उठा कर देख सकते हैं, जब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का इलेक्शन का रिजल्ट आया और जहाँ पर काउंटिंग हो रही थी वहाँ पे बकायदा पर्ची के ऊपर ये बात लिखवाई गई थी वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो कर्मचारी थे कि आप इस चुनाव प्रक्रिया पे जो यह भी हुई है इस पे आप सहमत हैं या नहीं, सभी प्रतिनिधियों ने ये लिख के दिया था कि हमारे सामने ये प्रक्रिया हुई है और हमारे सामने ही अध्यक्ष को चुना गया है, इसके अंदर हमको कोई दो राय नहीं है, यह बात वहाँ कही गई थी। क्यों लिखा भाई राम रेनू भाई हमारे सामने प्रतिनिधि चुन है अंदर ही नहीं दे भाई। अच्छा अच्छा हम नहीं है ना फिर अंदर तो हमें देनी कि मैं लिख लो दबा जो खामोश बैठ जाओ भाई जी, कोई भी बता सकता है आप अब की बार अगर इलेक्शन इसी तरह से होता जैसे पिछली बार हुआ था आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे कि नहीं करोगे? देखिए मतलब मैं अकेला कोई पार्टी नहीं हूँ, मैं मत अकेला कोई संगठन, जैसा अगर मान लो एक पार्टी है एक मान लो एक संगठन है, जब सारा संगठन एक साथ इकट्ठा होकर कहेगा कि हाँ हम समर्थन करेंगे तभी हम समर्थन कर सकेंगे। अगर हम मान अगर हम एक एक व्यक्ति को ही संगठन नहीं होता, एक व्यक्ति से संगठन नहीं चलता, वो बात ठीक है लेकिन हेड तो होगा ना धर्म से कोई। हाँ हेड एक बात कहता हूँ, लीडर भी तभी पैदा होता है जब जनता होती है, जब बच्चे होते हैं, एक लीडर होता है जब जनता उसके साथ हो, जब मान लो स्टूडेंट यूनियन, जैसे स्टूडेंट यूनियन बनती है, एक स्टूडेंट यूनियन होता है उसमें बच्चे होते हैं,
तब जाके लीडर बनता है। तो लीडर बच्चे बनाते हैं ना, लीडर ऐसे ही पैदा हो जाता है। मैं यूं पूछूं, आपका जो SFI है, हाँ जी हाँ जी, उसमें तो कोई हेड होगा ना? मैं वही कह रहा आपको, देखो अभी आप प्रवक्ता के रूम में, प्रवक्ता के रूम में अभी अगर इलेक्शन इसी तरह होता जैसे पिछली बार हुआ, पार्टिसिपेट करोगे या नहीं? हाँ या ना? जो हमारी स्टेट कमेटी तय करेगी कि पार्टिसिपेट करना है तो SFI जरूर लड़ेगी, और 80% चांस है कि अब की बार SFI चुनाव लड़ेगी, डिफीट करेगी उसको, जो मतलब पिछली बार माहौल बनाया गया था स्टूडेंट के मुद्दों को भटका के, तो अलग तरह से चुनाव लड़ा गया था पार्टियों के दम पे, खुला पड़ा के मतलब डम्मी सीआर मारपिटाई करके, इस तरह का माहौल में SFI, इस तरह के माहौल से अगर चुनाव होता है तो SFI इसके खिलाफ है, लेकिन अब की बार हम इसको डिफीट करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। भाई साहब मैं आपके पास आता हूँ, फिर मैं आपके पास, फिर मैं आपके पास, ज्यादा लंबा सा डिबेट नहीं करेंगे हम। मैं एक एक करके, अब रुक जा, क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा ना, बिल्कुल। हाँ, तब ये बताओ आपने 3 बड़े लेवल के काम कौन से करवाए इस टाइम? तो जो सबसे पहला काम है वो जो हॉस्टल की टाइमिंग होती थी वो पहले 6:30 बजे होती थी, आज वो टाइमिंग जो 8 बजे की हो चुकी है, ठीक है जी। गर्ल्स हॉस्टल की जो टाइमिंग होती थी, गर्ल्स हॉस्टल की, हाँ बिल्कुल बड़ा काम है, ओके, एक काम। बिल्कुल, और ये डिमांड SFI उठाती थी, हमने पूरी कर दी। ये SFI हमेशा कहती थी ऐसे होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं नहीं आइडिया नहीं ना, वो सिर्फ कहते थे, हम लोगों ने करके दिखाया, ठीक है जी। दूसरी डिमांड, पहले क्या होता था रिवॉल्यूशन का पेपर, अगर आपने एक बार चेक करवा लिया ना रिवेल का पेपर, उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता था, अब 1000 रुपये दे के आप रिवेल के पेपर को स्पेशल रिवॉल्यूशन लगवा सकते हो, दोबारा चेक करवा सकते हो। तीसरा काम भी गिनवा देता हूँ, रिजल्ट अब एग्जाम होने के 1 से 1.5 महीने के अंदर आ जाता है, पहले 6-6, 8-8 महीने रिजल्ट कोई नहीं आता था, हमने ऐसा करवाया कि रिजल्ट, बिल्कुल हमने करवाया। भाई इन 3 कामों में कितने संतुष्ट हो आप? भाई साहब मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। अगर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है विद्यार्थियों की, आप एग्जाम ब्रांच में जाकर देखो उनके रिजल्ट, आज भी अगर आप वहाँ पे जाओगे ना, इतनी बदतमीजी से वो बात करते हैं, ठीक है, कोई रिजल्ट देखने के लिए जाएगा उससे बदतमीजी से बात हो रही है। इनके अध्यक्ष जो यहाँ पर चुने गए हैं विद्यार्थियों के, जो उम्मीदों पे उनका विश्वास के लिए जगाने के लिए मतलब जो चुना था वो हिंदी करे, तो ये बताओ क्या करेंगे, उनका 1% सोल्यूशन नहीं होता। आप कल आओ सुबह 10 बजे, आप खुद देख लो। काम बताए हैं, तीनों काम बकवास है, ये कोई हुए नहीं हुए, ये तो मैं, ये तो यूनिवर्सिटी अपने तरफ, ये जो आवाज है ना, ये सर बोल रहे हैं कि 6:30 से 6:30 ये इन्होंने कोई भी आज तक ऐसा काम किया, कोई भी VC को ज्ञापन सौंपने काम किया, ये सारा का सारा जो काम है BPSO ने किया, BPSO ने किया, नहीं नहीं भाई साहब BPSO ने किया ये, ठीक है, बार बार आवाज उठाने का काम किया है तो BPSO ने किया है ये, ठीक है, अपना ये क्रेडिट लेने की सोच रहे हो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल जायज नहीं है जगदीप भाई साहब। आपके अकॉर्डिंग BPSO ने करा? अच्छा अच्छा भाई साहब, दोबारा से फिर आ गया, ये काम BPSO ने करवाया कि इन्होंने करवाया या आपका कोई इसमें सिस्टम था? आप ना छात्रों से एक बार किसने करवाया लगातार कैंपस में किसकी डिमांड रही है? ओके ओके, मैं इनसे भी पूछ लेता, मैं बताता हूं आपको, ये 3 काम ये ऐसे करे, तीनों काम पे ये 3 काम इन्होंने बताए हैं, भाई ये उठाया कर दे कर का हमने दिखा दिए, अब आपका क्या करना है, 3 काम हुए कि नहीं हुए? अभी उठाए किसने, जो उठाएगा वो ये तो है नहीं कि वो फेसबुक पे उठाएगा या पर्चा लगा के उठ जाएगा जी। पिछले तकरीबन 1 महीना 15 दिन तक, 1 महीना 15 दिन तक पूरे कैंपस पे आंदोलन में रहे, जिसमें 7 लोगों को भूख हड़ताल पे जाना पड़ा 7 दिन के लिए, और फिर 19 विद्यार्थियों को बैन कर दिया गया, किस बात को लेकर के वो विद्यार्थियों की डिमांड को उठाने लग रहे थे। 1 महीना 15 दिन पूरे कैंपस पे मूवमेंट चलता है, हर दिन प्रोटेस्ट, धरना प्रोटेस्ट, आर्ट फैकल्टी, यूनिवर्सिटी की तमाम समस्याओं को लेकर, चाहे उसमें रिवैल्यूएशन में भी आ गया उसमें। इन्होंने 3 काम बताए, 3 कामों में कितनी संतुष्टि उन्होंने करवाए कि नहीं करवाए, और करवाना आसान था कि मुश्किल था? आसान था तो आप क्यों नहीं करवाए, और मुश्किल था तो इन्होंने कैसे करवाया? इन्होंने कैसे करा दिया जी, हाँ इनका काम कैसे होता था, ये फोन करते थे, हाँ जी मैं प्रधान हूँ और काम करो इसका, और एक बार वो काम, वो काम करने से मना कर दिया, अगले ताला लगा दिया, ताला लगा दिया, ठीक है, मतलब क्या था, अपनी बदतमीजी, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल, ताला लगा, ठीक है। दूसरी बात, और जब स्टूडेंट की स्ट्राइक चल रही थी तो ये लोग प्रचार करने लग रहे थे कि, मैं सिंपल बात इनके, हाँ भाई इन्होंने जो 3 काम गिनाए हैं ना, वे हुए हैं कि नहीं हुए? अभी इनको क्रेडिट नहीं जाता जी, देखो इनको क्रेडिट, अगर अगर हमने करवाए, ये करे हमने करवाए, इन्होंने करवाए कि नहीं करवाए?
अभी देखो ना तो इन्होंने साइन करके दिया ना उन्होंने साइन करके दिया यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी अपनी अपनी अथॉरिटी में इतना हाँ तो भाई सुनो 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 इन्होंने काम गिना दिए ये इनको हमने करवाए हैं भाई और ये थोड़ा सा अलग है डिप्लोमेटिक सा जवाब दे रहे हैं यहाँ पे दो चार भाई बैठे हैं भाई साहब राम राम भाई से आया हूँ भाई अच्छा फर्स्ट ईयर से आया है लोग प्लस टू से आया करें यार फर्स्ट ईयर में आया हूँ अच्छा अच्छा फर्स्ट ईयर में भाई उन तक पूछ लूँ मैं डट जाए यार राम राम भाई साहब भाई जी कैसे हो आप अच्छा ये एबीवीपी के हैं एसएफआई के हैं बीपीएसओ के हैं और भी बुलाए थे आए नहीं बच्चे अच्छा एबीवीपी यहाँ पे अभी जीत रही है इलेक्शन इलेक्शन क्यों है वो नहीं इलेक्शन तो इस साल हुए कोई नहीं 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 जो पिछली बार लास्ट ईयर हुए लास्ट ईयर तो अभी तक तो वही गिनी गई ना हाँ। तो इन्होंने काम कुम कुछ करवाए कि नहीं करवाए नहीं कि मैं काम को नहीं कराया भाई साहब ना कोई स्टूडेंट की आवाज उठाई ना इन्होंने कोई मुद्दे उठाए ये तो बस अपनी राजनीति चमका रहे हैं अपनी पर्सनल राजनीति तो अब आप पहले की बात नहीं करते ना अभी मतलब तो हमें 6:30 बजे की टाइमिंग दी गर्ल्स हॉस्टल की 8 बजे की करा दी वो रिवैल्यूएशन का स्पेशल नहीं महिला उत्थान का काम तो सारा देश कर रहा है पुरुष उत्थान कौन करेगा ये पुरुष पीड़ित समाज से आए भाई व्यक्ति क्या दिक्कत होगी दिक्कत तो देखो सारी है बता दो मैं तो पूछूंगा अब जाकर नहीं देखो ये है स्टूडेंट्स के साथ सारी प्रॉब्लम है फिर वही बात बताओ ना एक आधी बता दो मैं तो जाके पूछ लूँ नहीं है कहाँ स्टूडेंट ए बी पी वाले तो कोई दिखता को नहीं मनाया ये सारे ए बी पी पी गए हैं ये खड़े सारे चलो भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो भाई बोर्ड का गेंद हो रहा है फिर अपा भाई थोड़े से खुले खुले हो जाओ यार इनके किस काम से आप असंतुष्ट हो वो पूछूंगा जब कोई काम ही नहीं किया सर तो कैसे हम संतुष्ट असंतुष्ट सत्ता फिर भी नहीं सत्ता है इनके पास सब कुछ है बीजेपी सरकार है आरएसएस की सरकार है इनका सारा सिस्टम इनका है ये फिर भी करा सर इस बात से जेलसी है नहीं जेलसी नहीं है भाई साहब जो काम ये आरएसएस सरकार कर रही है ना जातिवाद फैला रही ये भी फैला रही सब कुछ काम कर रही है जातिवाद का तो टॉपिक ही नहीं है यार यार स्टूडेंट की बात कर रहा है यार कमाल है यार ना ना ऐसी बात नहीं अब यहाँ पे कितने हो कौन हम जाति के हिसाब से आए कोई है ना तो ये बात ना करते ना मैं भाई साहब अगर हमारी सरकार होंगी और बीजेपी अगर हमारी होंगी 9 सीटों पे इलेक्शन हुआ था 9 में से सिर्फ हम 6 जीतते अगर हमारी सरकार होंगी हम 9 की 9 जीत जाते मैं खुद जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा था मैं खुद हार गया ठीक है अगर हमारी सरकार होंगी भाई मैं भी जीत जाता अपने कामों को ये मुद्दे से भटका कर जो विद्यार्थी का कार्य है उससे आपको भटकाना चाह रहे हैं जो आप कार्य मेन है वो बताओ कि आपने एग्जाम राज में क्या किया कौन सा कार्य मेन था जो नहीं करवा पाए जो ये कार्य मेन था एक तो रिजल्ट था ठीक है ये जो वहाँ पे मतलब रिजल्ट देखने के लिए था ना जो बिहेव होता है उनका एक तो वो सही कराने का एक बच्चों को ना घुमा फिराते बहुत है वो ठीक है उसकी जो मतलब उसकी जो प्रोग्रेस है वो जल्दी जल्दी कार्य कराने चाहिए और फिर इन वाला क्या ना वहाँ जाके देखते ना कुछ जो काम संतुष्ट पता किस बात से होते हैं जगदीप जी अगर कुछ काम किया हो उससे हम कह सकते हैं 20% ठीक है 80% गलत है जब काम ही नहीं किया तो हम कैसे इसको संतुष्ट है संतुष्ट की बात कह सकते हैं घुमा फिरा के वही बात है सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर एक बार बता सकते हो भाई एबीवीपी ने इसके खिलाफ या किसी अन्य संगठन ने आवाज उठाई हो तो आप बता सकते हो हाँ भाई मैं किसी का एक पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा बीपीएसओ वाले भाई ने मेरे को मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी ये बात बोल लेंगे हमारे भाई हैं ठीक है ना नहीं हमारे भाई नहीं जो ये बोल रहे इन्होंने सुनो मेरी बात की बात क्या थी अभी सुरक्षा की बात जो उठी थी सुरक्षा की बात थी अभी दुर्भाग्यवश इन्हीं के एक मित्र का जो हमारा भी मित्र था उसका यहाँ देहांत हो गया था उसको गोली मार दी उसको हत्या कर दी गई थी उसकी यहाँ पे हुआ था ये लोग उनके साथ थे मैं भी मानता हूँ उस टाइम का अखबार उठा के देख लिए आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं मैं भी पत्रकारिता से जुड़ा हूँ उस टाइम का अखबार उठा के देखो वाइस चांसलर के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो बात करी है जिस तरह सुरक्षा के मामले उठाए सबसे ज़्यादा किसने उठाए तो एबीवीपी ने और मेरी नेतृत्व में भाई इन्होंने वो मुद्दा उठाया कि नहीं उठाया मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ मेरी बात सुनो एक और बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ भाई आपसे सविनय निवेदन है भाई साहब ये कि डीएमसी जो बच्चे की रुकी पड़ी है देना रिजल्ट रुके उनका भी समाधान कर दो एक बात आपने ये बात और गई
और आपने कहा अभी एसएफआई वाले मेरे दोस्तों ने बात कही थी कि भाई ये एक अध्यक्ष फ़ोन करता है। अरे भाई अगर अध्यक्ष के फ़ोन करने पे अगर काम ना हो ना तो क्या करने का अध्यक्ष है वो? क्या अध्यक्ष वहाँ हर जाके हमेशा उसके लाइन में खड़ा होगा? दूसरी बात, पर्सनल काम करवा रहा है तो वो सीधा सीधा भ्रष्टाचार नहीं है क्या? क्या उसका काम वो पर्सनल था? किसी छात्र का ही काम अगर एक फोन पे हो रहा है तो क्या उसको संघर्ष करने की जरूरत है या नहीं? सभी छात्रों का काम बिना फोन होना चाहिए, किसी एक का फोन के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आप एक विद्यार्थी का काम फोन से हो रहा है तो फिर पक्षपात है। मैं सिर्फ उन छात्रों क्या करे जिसके पास अध्यक्ष साहब का फोन नंबर नहीं है, वो बता दो मेरे को भाई क्या करेगा वो? देखिए, और एक जरूरी बात, एक बहुत जरूरी बात जो इन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि ताड़ा लगवा देते हैं। अगर स्टूडेंट का काम नहीं होगा एक कमरे का नहीं, हम सारे कमरे का ताला लगाएंगे और सबने सस्पेंड कराएंगे, ठीक है ना? जब तक अगर वो, और सुनिए दो भाई, सुनो भाई, या ले भाई बात छोड़े की आखिरी बार सुन लो, मतलब आखिरी नहीं मतलब डिबेट की लास्ट। भाई ने बात कही ना कि भाई तुम ऐसे उनका वो रवैया ठीक कराओ, तो वो एकदम ठीक होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 400-500 वहाँ पे इम्प्लॉइज हैं। उसके लिए एबीवीपी ने क्या किया वो भी बता देता हूँ। एबीवीपी ने क्या किया, एबीवीपी ने एक हफ्ता पूरी ब्रांच का काम देखा, उनको जोन से कलर का काम अच्छा लगा। ये रिज़्व आया चल रहा था, बंद कहते करवा दिया ये एबीवीपी ने, तो प्रसाद यार उसका काम है, सरकार का प्रशासन ब्रह्मसरोवर में नहर से पानी आया था, वो साफ रखने खातिर अंडरग्राउंड करायो कि साफ जावा। एबीवीपी बढ़िया करती जय सरकती, बढ़िया ठीक काम चल रहा है, सही काम चल रहा है। चलो धन्यवाद, शेयर करते हैं जी कथा। भाई साहब अब क्या कुछ कहना है, इलेक्शन में कितना तोड़फाड़ हो गए, कितनी सीट आ जाऊंगी? पूरी की पूरी करेगा, पूरी की पूरी सीट हमने काम कर रखा लगातार, वही डिसाइड करेगा। बच्चे जो विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले वो डिसाइड करेंगे, पिछले जो काम किया उसके आधार पे लग के अगर बच्चे वोट दे तो अच्छी बात है। खुद के मारने वाले तो है नहीं, हम जमीन से जुड़े हुए हैं, मतलब फॉर्चुनेटली है अनफॉर्चुनेटली है बात, बार बार कहो इनके पास वो है इनके पास वो है। भाई देखो एक बात तो मान के चलते हो, सुनो भाई, जितने भाई है एक बात मान के चलो ना भाई, जिसके पास जितनी पावर होगी उसको यूज करेगा ही करेगा, है ना? अगर वो पावर यूज ही नहीं करेगा तो फिर यूज सार्थक दिखे ना, कुछ दिखे ना, कहाँ यूज हो रहा है? पर्सनल काम में दिखे फिर क्या यूज है जिसका? गलत यूज कर रहे हैं। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एबीवीपी का सबसे गलत काम आपने कौन सा लगा, कौन बताओगा ये बात? ओके सुनो, एक मिनट, टाइमिंग की बात कही थी मेरे भाई ने कि हमने लड़कियों की टाइमिंग बढ़वा दी, उसी लड़कियों की टाइमिंग पे बढ़वाने पे जो सचिव महोदया है नमिता नंदल, वाइस प्रेसिडेंट, वो ये बोलती है जब कैंपस पे किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो जाती है, कैंपस से बाहर छेड़खानी होती है, कि हमें शर्म आती है कि हम इन जैसी लड़कियों के लिए लड़े थे टाइमिंग बढ़वाने के लिए। मतलब किसी एक एक्सेप्शनल केस के कारण वो पूरी की पूरी लड़कियों कम्युनिटी को मतलब दोषी करार दे रही है, ये सबसे शर्मनाक घटना थी एबीवीपी की। अच्छा आइए सब भाई, अभी आया मैं, सुनो इनका कौन सा काम आपने? इनका एक काम ये है कि ये विद्यार्थी को फेसबुक के माध्यम से व्हाट्सएप में भ्रमित करते हैं। अभी हालांकि दो दिन की बात हुई, भाई ने एक पोस्ट डाली, लाइब्रेरी गया, क्लिक कर दी, भाई बच्चे के पास कुर्सी है नहीं है, इन्हें पोस्ट कर दी। आपने ग्राउंड लेवल पे कार्य क्या किया है, कहाँ क्या कितनी देर मांग उठाई आपने? उसके लिए भाई सुनो, एक इस भाई का बात थी, एक इस भाई की बात थी, रिप्लाई करो। अब जा, दो प्रश्न आए हैं, दो बात जो असहमत हो दोनों पे उत्तर दूंगा। उसने कहा एसएफआई वाले बंधु ने कहा, एसएफआई वाले दोस्त ने कहा भाई कि लड़कियों की ये बात कही गई थी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट गलत है। उस चीज़ की बात उसी हॉस्टल की लड़कियों से मैंने भी करी है, उसने ये बात कही थी, उसने ये स्टेटमेंट जरूर दी थी कि अगर हम गर्ल्स हॉस्टल की जो टाइमिंग अगर हम ज़्यादा अगर बढ़ाने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं से लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठेगा, क्योंकि अगर 7:30 बजे अगर 6:30 बजे टाइम है तब तो ये लड़कियों की सुरक्षा प्रशासन अच्छी तरह से कर नहीं पाता। अगर 8:30 बजे भी कर दी तो कैसे हम सुरक्षा की बात कर सकते हैं, ये उसने बात कही थी। और दूसरी
दूसरी जो एफबी पोस्ट की भाई बात कर रहा है, मैंने वो फोटो इसलिए नहीं खींची थी, मैं एफबी पोस्ट करूंगा। मैंने वो फोटो खींची, उसके बाद मैं जो लाइब्रेरियन सर है उनके पास गया, मैंने सर को कहा, तो सर कह रहे कि भाई 100 कुर्सियां, मैं उसी दिन सर ने 100 कुर्सियां निकलवा दी थी, सर ने कहा कि 100 कुर्सियां मैं अभी निकलवा देता हूं, बाकी अगर जरूरत पड़ी तो तुम एक बार देख लेना, मैं और निकलवा दूंगा। तो फोटो मैंने इसलिए खींची थी, मैं सीधा लाइब्रेरियन सर के पास गया और मैंने उनको फोटो दिखाई। मेरे को तो कहीं वहाँ कुर्सियां दिखती, मैं रेज वहाँ पढ़ने ले जाता ना, तो कुर्सियां दी थी जो कोई कुर्सी नहीं है। जगदीप जी जो सेम आप एक बात देख लेना, जो सेम पिक्चर में था ना, जो सेम पिक्चर में था वो आज भी था। पिछले भाई राम राम भाई, क्या हाल है? ठीक बढ़िया भाई। इन तुम घनी लंबी डिबेट हो, घनी देर तक बात करूँ। अच्छा, क्या लगा है आगे आईएसओ का फ्यूचर? ये भाई साहब आईएसओ से हैं, फ्यूचर कैसा? आईएसओ का हम देवीलाल की विचारधारा को लेके, इंडिया में ताऊ के नाम से पुकारा जाता है, उन्होंने अपना जीवन गरीब के लिए, किसान के लिए, छात्रों के लिए, उस टाइम पे छात्रों को बस पास की सुविधा दी थी, उस टाइम में जहाँ उस टाइम हरियाणा में शिक्षा को भी वो लेके आए और छात्रों को फ्री सिनेमा भी दिखाया जाता था, और देवीलाल ने हरियाणा में शिक्षा को भी बढ़ावा दिया और आज उसकी वजह से प्रदेश हरियाणा। अब आगे का प्रोटोकॉल, आगे का अपनी रणनीति क्या होगी इलेक्शन लड़ने की? इलेक्शन लड़ने की रणनीति, हम अच्छे जो बढ़िया लड़के हैं, पढ़ने वाले हैं, हम उनको उठाएंगे और हम देवीलाल की विचारधारा को लेकर ही हम इलेक्शन लड़ेंगे, जिसमें राजनीतिक विचारधारा को लेकर छात्र संघ में इलेक्शन लड़ेंगे आप? नहीं, विचारधारा को लेकर, विचार हमारी विचारधारा ये है, जिसमें छात्रों का अगर ये यूं कहे हम नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा को इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, तो आप ये कहते अच्छा राजनीति को आगे? नहीं, हम मोदी की तो कोई विचारधारा नहीं है, वो तो संघ की विचारधारा है। पिछली बार देख लियो उन्होंने भी हर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी की प्रशासनिक मदद लेके वीपी के जो प्रधान बनाए हैं, उन्होंने आज तक कोई छात्र की समस्या नहीं उठाई। यूनिवर्सिटी में हजारों समस्याएं हैं। 2015 में हॉस्टल की फीस 5400 रुपए थी, जो आज 13100 रुपए हो गई है, और कम से कम भाई इतनी फीस वृद्धि बहुत ज्यादा। अरे रुके यार, आजा भाजन है, कितना बढ़िया इशू उठाया है, आजा इन्होंने ये कहा है 5100 फीस हो, अगर 13000 करवा दी इन्होंने। बिल्कुल, इसका मतलब मेरा भाई अपडेट नहीं है, मुख्यमंत्री जी का लेटर जारी हो चुका है कि अगले सेमेस्टर के अंदर उस फीस को मैनेज कर लिया जाएगा, मान ले फीस जो भी है। सुनो, सीएमओ से स्पेशल पत्र आया है, ठीक है, आप उसके ऊपर ध्यान दे। सीएमओ खोलो, सुनो, सीएमओ खोल के देख ले मेरे भाई, 15 दिन कुछ उन्होंने समय दिया था, पर वो चुनाव के कारण थोड़ा सा अगले सेमेस्टर के अंदर फीस एडजस्ट हो जाएगी, जानकारी ले लीजिए। ये हॉस्टल के छात्र खड़े हैं, जो हमारी प्राइवेट मैस में कुछ अच्छा खाना नहीं मिलता है, ये चेक कर ले जो कोऑपरेटिव बैंक। मेरे भाई सुनो, आप तने कहीं ना अध्यक्ष कभी नहीं आंदा, हमारे अध्यक्ष की ना एक बार फेसबुक की प्रोफाइल खोल के देख लेना, कुछ समय पहले ही सुनो वो नहीं वो मैस में गया था, वो मैस आज प्रदेश में ना कोई सरकार ने इंडस्ट्री बनाई है, ना कोई कॉलेज बनाया, ना कोई छात्रों के लिए नीति बनाई है, इन्होंने हमेशा शिक्षा को व्यापार बनाया है। आज गरीब का जो लड़का है वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, आज इन्होंने अगर ऊंचा बोलोगे तो गलत हो, तुम टॉलरेंस इनटॉलरेंस में नहीं रहो, रुको रुक जाए यार, भाई ने कहने दे। आज प्रदेश का हर छात्र दुखी है, जो एबीपी संघ के स्टूडेंट है, इन्होंने छात्रों की कोई समस्या को नहीं उठाया है। आज यूनिवर्सिटी में हजारों प्रकार की समस्याएं हैं, हर हफ्ते फीस वृद्धि, हर डिपार्टमेंट फीस वृद्धि बढ़ाई जाती है, ना लड़कों को हॉस्टल में खाना मिलता, ना किसी प्रकार की यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार सुविधा है, ना स्टूडेंटों के लिए कोई अलग से वो बनाया भाई क्या नाम है, जिससे छात्रों को सुविधा मिले, ना ये डिस्पेंसरी है वहाँ भी डॉक्टर की कोई वो नहीं है। इन्होंने तो पिछले एक साल से यूनिवर्सिटी में प्रधान का पद ग्रहण कर रहा है, इन्होंने ये बता दो भाई, हमने छात्रों के लिए एक लड़ाई लड़ी हो, छात्रों को कोई भी लड़ाई लड़ी हो। भाई ऐसे कह रहा है, एक लास्ट भाई ऐसे कह रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं खुली नहीं भाई, अरे भाई रे आ ले दे इसमें, भाई ऐसे कह रहा है यूनिवर्सिटी नहीं खुली भाई, 10 रुपए का टेम्पू ले, आयुष यूनिवर्सिटी नहीं खुली है कुरुक्षेत्र में, तो यूनिवर्सिटी के बाहर उतारेंगे जाके, आयुष यूनिवर्सिटी 10 रुपए का, ठीक है। तो भाई
तो भाई बड़ा अच्छा लगा डिबेट आके। हाँ भाई बताओ भाई, मैं नहीं कहना चाहूँ, देख एबीवीपी भी है, एसएफआई भी है और बीपीएसओ भी है, सारे ने छोरिया गया कई बात कर ली, ठीक से इवन न्यूबू जो कौन सी पार्टी सी है जिसमें छोरी कौन है, किच से भाई वे 8 बजे का टाइम है, तो छोरिया ने भी बुला लो भाई, वे भी अपनी बात कर लेंगे, वे खुद कर लेंगे। हाँ भाई, अरे सर आइए एक बार दोबारा था भाई साहब। अरे भाई अड़े के, अच्छा एक भाई ने बढ़िया बहुत बढ़िया बात कही। हाँ भाई, अरे सुनो सुनो, एक भाई ने बहुत बढ़िया बात कही, सारे संघ जितने भी आप हैं भाई महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन धारे गेला किसी भी संघ गेला कोई छोरी को नहीं, वो कहाँ कमी रहे। हमारे संगठन में स्टेट की प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट, अभी कौन है यहाँ पे, अभी डिबेट में, अभी डिबेट अभी नहीं है, अब सलमान बात यही थी ना बात। तो भाई अभी तो किसी के पास कुछ नहीं है भाई, बात छोरे की सुन। तो भाई यह डिबेट कैसी लगी, बोर्ड के फिर आओगे 10-15 दिन में और फिर बतलाओगे और लोगों की राय लेवाओगे कि कुछ कहना उनका। धन्यवाद, जय हिंद भारत माता की, जय।